Hey guys, welcome back to another video. तो आ गए मैं वापस से. अभी दोनों वर्ड्स करेंटली रिसेंटली लॉन्च हुए. जैसा कि आपको पता होगा, हमारा जो फर्स्ट है वो है अल्ट लिट, जो स्मार्ट वॉच आपको 2200 पर सेल देखने को मिला होगा. सेकेंड वॉच हमारे पास देखने को आ रही है फायरबोल्ट निंजा प्रो मैक्स प्लस. नाम भी इतना बड़ा है, समझ सकते हो. तो काम इतना बड़ा होगा कि नहीं, हम ये करने वाले कंपेरिजन अल्ट लिट के साथ. ठीक है, आपको दोनों की स्पेसिफिक वीडियो आई बटन पे मिल जाएगी. चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो. एंड गाइस, अगर फर्स्ट वीडियो देख रहे हो आप मेरी, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको कनेक्टिविटी से लेके इंस्टॉलेशन से लेके यूजिंग एक्सपीरियंस तक के कुछ आपको रिव्यू देने वाला हूँ. ठीक है, बाकी कोई भी चैनल्स पे आपको नहीं मिलने वाला है. एंड गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको 5 डेज के बाद वॉच की यूजिंग एक्सपीरियंस वीडियो मिलने वाली. इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है हमारे डेली लाइफ में वॉच को यूज करने से. ठीक है, तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, और मिलते हैं 5 दिन के बाद. Hey guys, तो जैसा आपको पता होगा, हमारे पास दोनों जो वॉच है, दोनों की प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंसेस है. ठीक है, लेकिन दोनों वॉच रिसेंट लॉन्च पे. तो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा लेना है, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है. तो यहाँ पे दोनों वॉच आपके सामने मिलेगा. जो मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगा है, जो फायरबोल्ट निंजा प्रो मैक्स प्लस के अंदर आपको कॉलिंग फीचर नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, बाकी 1600 रुपए के अंदर 1700 रुपए के अंदर अच्छी खासी कॉलिंग फीचर वाली वॉच आ रही है. ठीक है, तो अगर नई वॉचेज लॉन्च होती है, वो सारे फीचर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो चाहिए कंपनी को कुछ नया इंप्रूवमेंट दे, या फिर एटलीस्ट वो सारे फीचर्स दे. ठीक है, बट ये सारे फीचर्स आपको ये यहाँ पे नहीं मिलता है. बट डिजाइन बेस्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो वेट यहाँ पे काफी कम है. ठीक है, बहुत लाइट वेट है, अल्ट्रा स्लिम है, और काफी हैवी यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो. दोनों की स्पेसिफिक वीडियो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया. ठीक है, दोनों में डबल डबल क्लिप देखने को मिलते हैं, तो आपकी वॉच अच्छी ग्रिप होने वाली. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसकी अच्छी खासी स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है. ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे हमारा फायरबोल्ट निंजा प्रो मैक्स प्लस, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को नहीं मिलेंगे. जबकि यहाँ पे आपको अल्ट लिट जो है, यहाँ पे सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे. उसके अलावा आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा. ठीक है, गेम्स फाइंड माय फोन का फीचर देखने को मिलेगा. उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के साथ साथ स्टॉप वॉच, अलार्म, ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे गाइस. ठीक है, तो आपको जब भी चाहे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो, कस्टमाइजेशन डाल सकते हो. यहाँ पे रोटेशन क्राउन देखने को मिलता है, तो मच इंटरेस्टिंग. वॉच की कंपेयर नहीं की जा सकती इस वॉच से, फिलहाल तो नहीं की जा सकती. ठीक है, मच इंटरेस्टिंग यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिलेगा. जैसे इसको आप मूव करोगे, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे क्राउन रोटेशन की वजह से आपका वॉच फेस का थीम चेंज होने वाला है. ठीक है, तो गाइस मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया. यहाँ पे आपको देख दोनों वॉच जो है काफी डिफरेंस है डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में. थोड़ा सा हेवी वेट की मुझे ये लगता है. ठीक है, और फायरबोल्ट निंजा प्रो मैक्स प्लस पूरा अल्ट्रा स्लिम और फिट है, तो मस्त वॉच है. गाइस, आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर दोनों ही वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है. शटर का फीचर दोनों ही वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है. नोटिफिकेशन कॉल्स के आएंगे, लेकिन आप इस वॉच पे बात नहीं कर पाओगे. आप या तो म्यूट कर सकते हो, या तो फिर कॉल को डिक्लाइन कर सकते हो. ठीक है, दोनों में से कोई एक हो पाएगा. ठीक है, वैसे हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं. फ्लैश लाइट है. ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे. आपको इस कंपैरिजन का वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट डाउन करके बताना. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.